राजस्थान में कुल जनसंख्या की 10% आबादी यहाँ पर, और लेकिन पानी 1% हमारे पास है। ये आज भी है, और आज से पहले जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी तब भी हमारे अंदाज था। लेकिन उस समय हमने इसके लिए, चाहे बजट के एलोकेशन का विषय होगा, हर गर्मी से पहले कंटेंजेंसी प्लान उसको बनाने का काम किया, और साथ में ही इसी को लेते हुए कि जल स्वावलंबन अभियान के नाते से एक अभियान शुरू किया जो पानी को रोकने का और उसको कैसे हम नीचे तक पहुंचा करके उसको उपयोग में करें, इसका प्रयास किया। दुर्भाग्य से इन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन्होंने इस गर्मियों का पहले से आकलन था, लगता था कि जिस तरह के बांध सूख रहे हैं, बीसलपुर में पानी कम हो रहा है, बाकी बांधों में कम हो रहा है, तो पानी की क्राइसिस ज़बरदस्त रूप से है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कोई कंटेंजेंसी प्लान नहीं बनाया। आज हालत ये हो गई है कि लगभग कोई 700-800 के आसपास इन्होंने पूरी तरह से ट्यूबवेल खोदने का काम किया, और अधिकांश ये पूरे ट्यूबवेल एक ठेकेदार को काम दे दिया। मुझे ध्यान है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि राजस्थान की सरकार इस बिजली के, इस बजरी के मामले को लेकर के नहीं, सप्लाई नहीं कर पा रही, और बजरी माफी को समर्थना था। आज उनका शासन है, 6 महीने शासन में आए, हमने इस विषय को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो आदेश थे उनकी पालना पूरी तरह से की थी, और उसके साथ साथ जनता को राहत मिले उसके भी रास्ते निकालने का प्रयास हमने किया था। लेकिन जिस प्रकार से अब बजरी माफिया पूरी तरह से सरकार के सिर पर चढ़ कर के नंगा नाच कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के समय पूरी तरह से अंकुश में था, और इस तरह के प्रयास उन्होंने नहीं हो पाए।